रंजन आसाम पाई बीजेपी आनिला पूरा पूरा प्रतिश्रुति रे भर्ती संकल्प पत्र गत पांच वर्ष रे राज्य विकास रो ट्रैक को आसी बेले आगामी पांच वर्ष रे बढ़िबो विकास रो बेग पुणी राज्य रे लागू हेबो सठिक एनआरसी संकल्प पत्र को नहीं कौन कहिले मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनवाल पश्चिमबंग राजनीति रे जंगल महल रो प्रभाव बाम परे टीएमसी कब्जा रे थिबा जंगल महल को एथरो बीजेपी करिवो कि दखल बेंगल को तारो झियो दरकार टीएमसी रो एही नारा को बीजेपी देछि जबरदस्त चेक घर घर बुली काम करूथिबा कलिता माझिंको उपरे सारा देशर नजर किए से कलिता ए सब खबर को नहीं देखिबा आजर फोकस पॉइंट आसाम पई बीजेपी रो संकल्प पत्र राज्यर विकास पई 10 टी संकल्प करिछि भारतीय जनता पार्टी गत पांच वर्ष रे राज्य विकास रो ट्रैक को आसी थिबा बेले आगामी पांच वर्ष रे एहा को त्वरान्वित करिवारो प्रतिश्रुति देछि बीजेपी आसाम रे लोकंकु आत्मनिर्भर कराइबा सहित रोजगार बढ़ाइबा बन्या एवं प्राकृतिक विपर्ज्यर मुकाबिला पई ठोस पदक्षेप नेबो बोली संकल्प नेछि एहा छोडा राज्य रे सठिक एनआरसी लागू कराइबा दलर अन्य एक प्रमुख संकल्प बोली कहिछन्ति बीजेपी राष्ट्रीय सभापति जेपी नड्डा कमिटमेंट्स के साथ संकल्प के साथ आप सबके सामने रखने का तय किया उछाल लेने की ताकत रखते हुए एक आकांक्षाओं के साथ हम अगले पांच साल को हम असम आहार आत्मनिर्भरता कार्यक्रम को हम चलाएंगे योजना को हम चलाएंगे असम पाई बीजेपी जारी कला तार निर्वाचन इस्तहार पश्चिमबंग भली एठी मध्य घोषणा पत्र रो नाम संकल्प पत्र रखी बीजेपी जेउथिरे आसाम रो विकास पाई दल करिछि 10टी संकल्प आसाम रो लोकंकु आत्मनिर्भर करबा सह समानंको रोजगार बढ़ाइबा एवं सर्वोपरि राज्यर विकास को त्वरान्वित करबा को प्रतिश्रुति देछि दल अहम की संस्कृति का बचाओ लैंग्वेज का बचाओ हमारे अहम की कल्चर का बचाओ उसके लिए सारी योजनाएं और साथ ही साथ विकास की तरफ छलांग लगाना एक लीप लेना फिर वो डेवलपमेंट ऑफ एजुकेशन डेवलपमेंट इन हेल्थ डेवलप वुमेन का सबलीकरण ये सारी चीजें उसमें जुड़ी हुई है असम राजधानी गुवाहाटी रे बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा दल तरफ संकल्प पत्र जारी करिछंती गत पांच वर्ष रे राज्य रे बीजेपी सरकार रो सफलता को हाइलाइट करिछंती से अब आगामी पांच वर्ष रे राज्य रे होइतिबा विकास को अधिक त्वरान्वित करबा को कथा देछंती जेपी नड्डा उसके साइंटिफिक तरीके से हाउ वी कैन सी टू इट कि जो फ्लड की त्रासदी होती है उससे हम असम की जनता को बचा सके और वो विकास की एक नई कहानी असम रे बन्या नियंत्रण प्राकृतिक विपर्ज्यर मुकाबला रोजगार सृष्टि एवं सठिक एनआरसी लागू उपरे फोकस करा जिवो बोली संकल्प पत्र रे कथा देछि बीजेपी और जब हम करेक्टेड एनआरसी के लिए बात करते हैं तो उसमें जो मैंडेट सुप्रीम कोर्ट के द्वारा नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजनशिप है उसको हम उसमें हम प्रोटेक्ट करेंगे जेन्युइन इंडियन सिटीजन्स को और हम इन्फिल्ट्रेटर्स को उसमें हम डिटेक्ट करेंगे इसके लिए हम प्रयासरत होंगे कमिटमेंट है हमारा कि असम विल बिकम द फास्टेस्ट जॉब क्रिएटर स्टेट इन द कंट्री 2 लाख लोगों को हम नौकरी सरकारी क्षेत्र में देंगे और लगभग हम इसी तरीके से 8 लाख जॉब्स हम प्राइवेट सेक्टर में हम एनहांस करेंगे एबे आसंतु जानिबा बीजेपी संकल्प पत्र रे आसाम पई आउ कोन सब रहिछि 30 लाख परिवार को अरुणोदय योजना रे शामिल करा जिवो बेन निर्माण ओ अनुप्रवेश हटाई नाम घर को दिया जिवो 2.5 लाख लेखाए टंकार सहायता सरकारी स्कूल रे शिक्षा दान हेबो मागणा अष्टम श्रेणी परे झियो पिलां को मिलिबो साइकिल परिसीमा प्रक्रिया को आहुरी बढ़ा जीव स्वामी विवेकानंद योजना रे युव वर्ग को स्टार्टअप पाई सुजोग आसाम लोकों को समानक जमीर अधिकार दिया जीव बीजेपी रो संकल्प पत्र जारी अवसर रे राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा को सह केंद्र मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर और मुख्यमंत्री सर्वानंद सोनवाल प्रमुख उपस्थित थिले ब्यूरो रिपोर्ट न्यूज 18 ओडिया बीजेपी जारी कला संकल्प पत्र एहारी माध्यम रे राज्य रो विकास को फोकस करबा पई चाहूची बीजेपी महिलांको ठारु आरंभ करी छात्र छात्री सबु वर्गर विकास उपरे दलर फोकस
संकल्प पत्र रे दिया जायतिबा प्रतिश्रुति एवं एहारो कार्यकारिता केमिति हेबो से संपर्क रे अधिक सूचना देछंती मुख्यमंत्री सर्वानंद सोनवाल तांकु भेटिछंती न्यूज 18 रो सीनियर स्पेशल करेस्पोंडेंट पायल मेहता Taking his second term, Sarbananda Sonowal joins us as we are on board with him going from Nagaon to Golaghat. Sir, sabse, you know, the most important thing is that you announce a manifesto today. What do you think, according to you, will be the biggest highlight and the biggest thing that will strike chord with the people? देखिए असम के संस्कृति सभ्यता और स्वाभिमान सुरक्षित करने में हम प्रतिबद्ध है और इस विषय पर अगले दिनों में जो कदम उठाना चाहिए एक कदम हम मजबूती से उठाएंगे असम की जनता को साथ लेकर और परम आदरणीय प्रधानमंत्री जी का जो मंत्र है सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास उसी मंत्र का आधारित अपने समाज को शक्तिशाली बनाने के सिलसिले में हम कदम उठाएंगे और मुझे लगता है कि पिछले 5 साल का जो अनुभव अच्छा अनुभव इसे हमें और भी बढ़ावा देंगे और भी उत्साहित करेंगे क्योंकि 5 साल अच्छा गवर्नमेंट चलाने का बाद और लोगों को इंसाफ देने का बाद सब लोगों का मन में स्वाभाविक रूप से आत्मविश्वास जाग उठता है और विजन डेवलप होता है कि अगले दिनों में अगले कदम हमारा क्या होना चाहिए तो उसी हिसाब से ये जो 10 हमने अपने वादे वहाँ रखा है आश्वासन दिया है असम की जनता को हर सेक्टर पर समाज को उजागर करना समाज को मजबूत बनाना महिलाओं के लिए जो अनाउंसमेंट किया अरुणोदय स्कीम में वो कितना इम्पोर्टेंट रहेगा क्योंकि बंगाल में भी इस तरह की स्कीम अनाउंस की गई बहुत इम्पोर्टेंट रहेगा क्योंकि हम लोगों ने तो करके दिखाया सिर्फ अनाउंसमेंट नहीं 22 लाख महिलाओं के अकाउंट हर महीना 830 रुपये जमा होते हैं अरुणोदय स्कीम उसको 3000 करने का हमने निर्णय किया है जो बच्चों के लिए एजुकेशन गवर्नमेंट स्कूल में फ्री हो जाएगा क्या लगता है ये एक अलग तरह का एम्पावरमेंट होगा और नौकरियों की जहाँ तक बात की जाए 2 लाख नौकरी सालाना का घोषणा किया देखिए एक बात है बच्चों का एजुकेशन अगर क्वालिटी एजुकेशन हम दे पाया तो स्वाभाविक रूप से अलग अलग कंपटीशन में हमारे विद्यार्थियों को सफलता प्राप्त होगा क्योंकि दिस 21st सेंचुरी इज द यू नो सेंचुरी ऑफ कंपटीशन स्टेप कंपटीशन है तो बस बच्चों को ये अनुभव जगाना होगा कि भाई आपको कंपटीशन में हिस्सा लेना होगा भाग लेना होगा और कंपटीशन में अपने शक्ति काबिलियत प्रतिष्ठा करना होगा तो इतना तक आगे बढ़ाने के लिए तो शिक्षा को मान्यता देना ही होगा और इनके लिए जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए जो भी एजुकेशन सिस्टम मतलब उसका टीचिंग मेथड चाहिए और जो भी माहौल चाहिए सारे चीज़ों को विशेष रूप से ध्यान दिया जाएगा ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट कांग्रेस पार्टी हैज सेड CA will not be implemented. Your leadership and you have said CA will be implemented. A renewed NRC will also be implemented. What does this mean for the people of Assam? No issue. Now people of Assam have come to know that though it would be implemented, they will not be affected. Whatever Congress made the statement, that was totally false statement and their data were totally politically motivated. Now people of Assam have come to know. Congress says that they will be increasing the wages, which the BJP has really not been doing. How will you counter this? Because tea workers account for a good percentage of workers. Look, Congress 7 साल सत्ता में थे. आप बताइए. They rule almost 60 years. What they did? आप उनसे सवाल कीजिए. उन्होंने क्या किया? साई मजदूर के समस्या को मतलब उसका हाल निकालने के लिए उन्होंने क्या क्या कदम उठाया और हमें पूछिए 5 साल में हमने क्या किया महिलाओं के लिए विद्यार्थियों के लिए बच्चों के लिए उनके हेल्थ के लिए एजुकेशन के लिए कल्चर के लिए स्पोर्ट्स के लिए रोजगार के लिए और उनके हैबिटेशन के लिए और उनके जो भी मॉडर्न एमिनिटीज चाहिए कांग्रेस का जिस तरह का अलायंस है बदरुद्दीन अजमल के साथ उसको आप किस तरह से देखते हैं बिकॉज ये मानते हैं कि फॉर्मिडेबल अलायंस है एंड इट विल बी एन इंपैक्टफुल देखिए ये बात साफ हो गया है अभी एक समय में कांग्रेस ने कहा हु इज बदरुद्दीन कांग्रेस ने बदरुद्दीन को कम्युनल कहा ऑफिशियल स्टेटमेंट 2019 लोकसभा चुनाव में अब कांग्रेस ने उनका साथ नाता जोड़ लिया है रिश्ता जोड़ा है तो इसे उनका एजेंडा साफ है कि अगले दिनों में दोनों ही साथ मिलकर अवैध घसपटिया को
असम में प्रतिष्ठा देंगे, उनके सुरक्षा के लिए काम करेंगे। इसलिए जो लोग अवैध घुसपैठिया के लिए काम करता है वो देश का कभी भी शुभचिंतक नहीं हो सकता है, वो देश का दुश्मन माना जाता है। सर मतलब एक आखिरी सवाल आपसे पूछना जरूर बनता है, 5 साल से मुख्यमंत्री रहे हैं, शासन किया है, क्या आगे भी आप ही मुख्यमंत्री बने रहेंगे? आपके लिए एक लाजर रोड होगा क्योंकि ये सवाल बार बार उठता है कि क्या क्या परिवर्तन होगा मुख्यमंत्री में? देखिए भाई, मैं बीजेपी का कार्यकर्ता हूँ, मुझे पार्टी ने इतना बड़ा इज्जत दिया है, हाँ, चीफ मिनिस्टर बनाया, यूनियन मिनिस्टर बनाया, और पार्टी तय करेंगे, और मेरा लक्ष्य है फिर से बीजेपी सरकार लाना। इसलिए मैं एक कार्यकर्ता होने के नाते मेरा लक्ष्य पूरा करने के लिए मैं मेहनत कर रहा हूँ अपने साथियों का साथ, इसमें कोई दूसरा मेरा मकसद नहीं है। और बाकी सवाल का जवाब हमारा राष्ट्रीय समिति देंगे आपको, आप उनसे कर लीजिएगा। And of course, yes, that was Sarbananda Sonowal, simple as always and smiling as always, taking the most tough questions also with a lot of ease. With Viridis Arjun, Payal Mehta for CNN News 18. आसंता 27 तारीखर पश्चिमबंग में प्रथम पर्याय भोट, पुरुलिया, बांकुरा और झारग्राम जिलार आदिवासी बहुल जंगलमहल अंचल प्रथम पर्यायर भोट नि 2019 साधारण निर्वाचन में एठार किसी मात्रा निजर उपस्थिति जाहिर करपारी बीजेपी। एथर विधानसभा निर्वाचन में कौन हे दलर स्थित ताकने अनेक प्रश्न, एथपाई प्रथम जानवापी हे स्थानीय बासीदा मुड़। आसतु जा जंगलमहल, देखा जंगलमहल न्यूज 18 ग्राउंड जीरो रिपोर्ट सिनियर एडिटर सौगत मुखोपाध्याय सहित। Jangalmahal. These forest-covered estates are home to many indigenous tribes and communities like the Shautals, Kurmis, Shobors and the Kheriyas, who are also amongst the most backward of peoples in terms of opportunities and livelihood. Besides some civic development in the region, little seems to have changed in the last 7 decades of independence to absorb the tribals of Jangalmahal in Bengal's mainstream. And politics here gets played on the angst and despair of the people whose economic mainstay is supported by these forests and infertile farmland. ये हुछी पश्चिमबंगर जंगलमहल अंचल स्वाधीनतार 73 वर्ष पर भी ए आदिवासी अध्युषित अंचल रे विकास रो ना गंध नाही। घर द्वार रास्ता घाट कहीदे अंचल स्थित लोकों वेशभूषा भी कहुची अनेक किछि अकुहा कथा। एठाकार अधिकांश अधिवासी आदिम जनजाति संप्रदायर उपयुक्त जीविकार अभाव जो दुर्बिसह जीवन बिताऊंट एमाने। ये हूँ 50 वर्षीय गोविंद टुटु, चलित सीजन शेष फसल अमल कर एही आलू ही आगो को किछि दिन तांको परिवार मुहरे दाना देबो। गोविंदंक भली एठारे अनेक लोक एमिती चासबास करी बंचंती, किंतु खरा बढ़ी चलिथिबा बेले मनरेगा योजना रे होइथिबा जलसेचन सुविधा सुखी गलाणी। पुणी घरद्वार और रास्ता घाट देखले लागुछि एठि राज्य किंबा केन्द्रीय योजनार छाई पड़िनि। परिवर्तन आज मोटामोटी देश स्वाधीनता को 73 वर्ष हेलाणी, किंतु मु मो जीवन रे परिवर्तन कोनो देखि पाडली नाही। ये हेउछि जंगलमहल अंचल आउ गोटे गाँ, एटि भल हेउ मंद हेउ ढळे रास्ता खंडे अछि, लोकंक पिबा पानी नळकुवटे अछि, किंतु प्रतिवर्ष काम संधान रे देशर विभिन्न स्थानरु एठारु लोके जाउछन्ति। एठाकार लोके कुर्मी संप्रदायर, पुरुलिया, झारग्राम और बांकुड़ा जिलार किछि अंचल रे एमानंक संख्या अधिक रहिछि। चित्र कहुछि एमाने केते अनुन्नत, तबे शिक्षा और चाकरी क्षेत्र में संरक्षण सुविधा पाइबा एमाने दीर्घ वर्ष धरी तफसिलभुक्त जातिर मान्यता दाबी करि आसुथले भी ताहा पूरण होइ नाही। एबे निर्वाचन आसीथिबा बेले सेमाने पुणी सही पुरणा दाबी दोहराउछंती। ए सरकार बाहुबल एवं धमक चमक दे चालीछि, एहा मध्य सबुठारु दुर्नीतिग्रस्त। एठी लोकंकु 100 दिनर काम मिलु नाही, पुणी जहाकु काम मिलुछि ताकु पूरा पारिश्रमिक मिलु नाही। गत साधारण निर्वाचन रे एठारे उपस्थिति जाहिर करथिबा बीजेपी विधानसभा निर्वाचन पई पूरा दम लगाई देछि। जंगलमहल अंचल रे बीजेपी प्रार्थी को कहबा कथा केन्द्र देउछि, हेले एठाकार लोके पाउ नाहंती। राज्य सरकार को विरोध रे अभियोग आनिछंती बीजेपी प्रार्थी। प्रधानमंत्री आवास योजना पई सेमाने 10-20 हजार टंका कमिशन नेउछंती, पायखाना निर्माण पई मध्य 2-3 हजार टंका कमिशन नेउछंती। कोविड समय रे राशन देबारे मध्य दुर्नीति होइछि, एपरिकी अंपान बात्या क्षतिग्रस्त को रिलीफ प्रदान रे मध्य हरिलुट होइछि।
सेपटे क्षमतारे थिबा सरकार विरोध रे एभळी अभिजोग चिराचरित 10 वर्ष तळे एही अंचल केमिति थिला एबे केमिति अछि ता उपरे तुलना करिवार आवश्यकता अछि बोली कहिसेंती स्थानीय टीएमसी विधायिका तथा वर्तमान रो प्रार्थी। क्षमतारे थिबा दल विरोध रे अभिजोग स्वाभाविक किंतु आपण एही अंचलर 10 वर्ष तळर स्थिति को वर्तमान रो स्थिति सहित तुलना करिवार आवश्यकता रहिछि। गत 10 वर्ष मध्यरे टीएमसी एही अंचलर अनेक किछि विकास करिछि। पूर्व सरकार कोन करिथिला ताहा मने पकाइबार आवश्यकता रहिछि। नाचो गीत जंगल महल रो अधिकांश आदिवासी अधिवासींकर जीवन रो एक प्रमुख अंग। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी एठाकार अधिकांश आदिवासी कलाकारंक प्रिय। जदिओ एही दल पाई से सीधा सड़क किछि करि नाहंती तथापि ए अंचलर लोकंक पाई बहुत करिछंती। एकाथर के सबुआडे विकास करिबा संभव नुहे तेणु आमे चाहुचु दीदी तृतीय थर पाई सरकार को आसीबा दरकार। जंगल महल जळुछि आउ एठाकार लोकंक मन भितरे बि जळुछि असंतोष रनिया। निर्वाचन परे निर्वाचन हेउछि किंतु बदलुनी जंगल महल रो चित्र। एथर निर्वाचन जे एठाकार लोकंक जीवन रे सेमिति किछि परिवर्तन आनि देबो ताहा आशा करिबा वृथा। ब्युरो रिपोर्ट न्यूज 18 ओडिया। जंगल महल रो किछि अंचल रहिछि पुरुलिया जिल्ला रे एठी भी समान स्थिति। दिनकु दिन जंगल नष्ट हेबारे लागिछि। जो मात्रा रे जंगल महल रो कोळेबर ह्रास पाउछि सेई मात्रा रे सरकारक उपरु लोकंक भरोसा मध्य कमिबारे लागिछि। लोके जीवन एवं जीविका पई लढै जारी रखिछन्ति। एठी काम धंदा किछि नाही। दादन खटिबाकु बाहर राज्य को जाउछन्ती। निर्वाचन आसिले एही अंचल को नेतांक सुअ छुटे सेई पुरुणा कथा दोहराई सेमाने पूणी फेरि जान्ती। एठी केमिति चालिछि विकास केमिति रहउछन्ती लोके पुरुलिया जिल्लार जंगलमहल अंचल रे स्थिति परखिछन्ती न्यूज 18 रो सीनियर एडिटर प्रभात कुमार। या पानी का बहुत दिक्कत है। छोटा छोटा कुआं जैसा चूहा जैसा कूड़ के पानी लेना पड़ता है। बाली निकल हाँ बाली करके या क्या करेगा काम करना। या कुछ मिलता ही नहीं काम नहीं है कुछ नहीं है यहाँ पर। दिक्कत तो है पैसा नहीं है खाना पीना बंद हो जाएगा हम क्या करेंगे। ए हेउछि पश्चिमबंगर आदिवासी अधुषित जंगल महल अंचलर लोकंक मनर क्षोभ। दिन थिला ए अंचल घंच जंगल रे भर्ती थिला किंतु एबे सबु पदा होई गलाणी जहाकि स्थानीय लोकंक जीवन जीविका उपरे गुरुतर प्रभाव पकाइछि। नहीं नहीं ऐसा कोई बात नहीं। तो अभी तो बहुत सारी स्टेट में तो बीजेपी गवर्नमेंट है तो वहाँ कोई ई प्रॉब्लम तो वहाँ सब नहीं हुआ। अभी बिहार में उसका गवर्नमेंट है तो बिहार से सबसे ज़्यादा लेबर बाहर में काम करने के जाते हैं। एकदा माओवाद गढ़ा जंगल महल बाम दलंकर स्ट्रॉन्ग होल्ड। 10 वर्ष हला एहा टीएमसी कब्जा को आसीथिबा बेले गत साधारण निर्वाचन रे बीजेपी एही अंचल रे तार उपस्थिति जाहिर करिछि। टीएमसी एहा को पूणी भलो रकम कब्जा को नेबा को चाहुथिबा बेले विकास रो कथा कही जंगल महल दखल करबा को चाहुछि भारतीय जनता पार्टी। केंद्र सरकार से तो हम लोग लगे ही हुए हैं। विद्यालय के सुविधा हो आपका हेल्थ के सुविधा हो सारे डेवलपमेंट के लिए। लेकिन यहाँ की जो राज्य सरकार कुछ करने के लिए तैयारी नहीं यार करने भी नहीं देती है। अपना माननीय प्रधानमंत्री जी यहाँ के डेवलपमेंट के लिए हर सुविधा देने के लिए तैयार है। जंगल महल रो ग्राउंड जीरो रे रहिछि अनेक समस्या। नियुक्ति कथा छाड़ंतु एठी रहिछि काम धंदार अभाव। पीबा पानी अन्य एक समस्या होइथिबा बेले बाहर राज्य को दादन खटिबा पई जाउछंती अनेक लोक। या क्या करेगा काम करना। या कुछ मिलता ही नहीं है काम नहीं है कुछ नहीं है यहाँ पर खाना पीना सब भूखे मर जाते हैं हम लोग तो बाहर काम करना ही पड़ेगा। बाहर में पूरा काम करता है मेरा गांव का पूरा आदमी। बाहर में यहाँ पर लोकल कुछ भी नहीं मिला। निकटने पुरुलिया रे राली करिथिले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। जंगल महल रो किछि अंचल पुरुलिया जिला अधीन रे आसुथिबा बेले एही अंचल को ममता बनर्जी सरकार अणदेखा करुथिबा अभिजोग करिथिले मोदी जहा बीजेपी पई भलो वोट आनिबो बोली आशा करा जाउछि। मेनली Prime Minister tried to hold on to the support base which BJP was able to build in 2019 polls here in Lok Sabha when it had actually gained in 8 assembly constituencies out of 9 of Purulia, and Prime Minister talked about the issues
of the Jangal Mahal region, which actually constitute 3 to 4 districts of Bengal. From Purulia, this is Prabhakar Kumar for CNN News 18. बेंगल को तार झियो दरकार तृणमूल कांग्रेस रो एही नारा को जोरदार काउंटर करुछि बीजेपी बर्धमान जिल्लार असग्राम विधानसभा आसन रु कलिता माझी को प्रार्थी करी टीएमसी को जवाब देछि दल घर घर बुली काम करुथिबा कलिता एबे बीजेपी टिकट रे लडुछंती विधानसभा निर्वाचन प्रार्थी हबा परे केमिति रहिछि तांको प्रति लोकंक समर्थन आसंतु देखिबा पश्चिमबंगरे टीएमसी को गादीच्युत करबा पई बीजेपी फुल दम लगाई देछि अनेक स्थान रे दल देछि हाई प्रोफाइल प्रार्थी किंतु बर्धवान जिल्लार असग्राम आसन रु दलर प्रार्थी होइछंती कलिता माझी परिवार पोषण पई 32 वर्षिया कलिता घर घर बुली काम करंती किंतु एबे से बीजेपी प्रार्थी खूब उत्साह खूब मने माने आनंद सवारी बाड़ी बाड़ी जे आमी बीजेपी रे एकटा कर्मी पद्मफुले भोट दिन आमाके जयजुक्त करुन कलितांक स्वामी काठ काम करुथिबा बेले टिकट पाइबा पूर्वरु कलिता घर घर बुली काम करुथिले एबे किंतु से निज पाई प्रचार रे व्यस्त आमी बारी बारी परिचालक का काज करू आमार काजेर बाड़ीरा खुबी भालो खूब सहयोगिता करे उनारा बोलेछेन जे डेढ़ मास आमरा ठीक चाली नेबो हां बहु आपनी ओटा करुन राजनीति रे भाग्य परीक्षा करुछंती कलिता जाहाकु नै तांको परिवार अनेक किछि आशा रखिछंती प्रति मुहूर्त रे सहयोग करबा पई तांको स्वामी एवं सासु प्रस्तुत थिबा कहिछंती जतटा पारबो सपोर्ट करू आमी आशीर्वाद करछी हमार आशीर्वाद ही अत दूर गई छे गरीब देर ये करबे देखा सुनो ये सब करबे घर बाड़ी करे देबे गरीब देर जन्य सेवा करबे घर बाड़ी करे देबे निर्माण शौचागार पाइनी तादेके करे देबे निर्वाचन रे कलितांको पदार्पण को देखि तांकु काम करबाकु सुजोग देथिबा लोके भी खुशी सेमानंको कहिबा कथा कलिता ता जीवन रे अनेक दुख देखिछि जणे लोकप्रतिनिधि हेबाकु से संपूर्ण योग्य बोली कहिछंती शी इज वेरी ड्यूटीफुल वेरी हार्ड वर्किंग शी हैज कम फ्रॉम द माने लो मिडिल क्लास फैमिली ही इज ओनली आर्ली मेंबर ऑफ हर फैमिली सोसाइटी विल बेनिफिटेड फ्रॉम हर सर्विस एथरो निर्वाचन रे तृणमूल कांग्रेस रो नारा रहिछि बेंगल कु तारो झियो दरकार मुख्यमंत्री ममता बनर्जी तांको निजो पई एही नारा व्यवहार करूथिबा बेले एबे कलितांको पई मध्य ताहा लागू होई पारे महिला देर असुरक्षितता बेसी आमी चाहि सुरक्षित महिला देर कारण आमी एकटा महिला आमी एकटा मा आमी जानि ए जंतना कलितांको कहिबा कथा ए दुनिया रे महिलांको पई अनेक विपद रहिछि जणे महिला विशेष करी मा हिसाब रे से ए सब को अनुभव करिछंती महिलांको पई किछि स्वतंत्र करबाकु चाहंती कलिता माझी असग्राम आसी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तांको पई प्रचार करबा से चाहंती आमने आसुन आमार बाड़ी थे खाने आमार हे प्रचार करे जान पश्चिम बंगरे एथरो टीएमसी पश्चिमबंग निर्वाचन रे महिला भोटर निर्णायक हेबे कि कारण निज निज निर्वाचन इश्तेहार रे उभय टीएमसी एवं बीजेपी महिला को गुरुत्व देछंती बीजेपी अपेक्षा टीएमसी अधिक महिला को मध्य प्रार्थी करिछि बेंगल को तारो झियो दरकार कही मां भौणी को ऊपर अधिक भरोसा रखिछंती मुख्यमंत्री ममता बनर्जी सेबडे बीजेपी रो कहिबा कथा महिला को मध्य रे थिबा मोदी को लोकप्रियता ही दल पई हेबो मैजिक ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗରେ 49% ମହିଳା ଭୋଟର ଯେଉଁଥିପାଇଁ ଉଭୟ ତୃଣମୂଳ କଂଗ୍ରେସ ଓ ବିଜେପି ମହିଳା ଭୋଟରଙ୍କୁ ଦେଇଛନ୍ତି ଗୁରୁତ୍ୱ ନିର୍ବାଚନୀ ଇସ୍ତାହାରରେ ଉଭୟ ଦଳ ମହିଳା ଭୋଟରଙ୍କୁ ପ୍ରଲୋଭିତ କରିବାକୁ ଉଦ୍ୟମ କରିଛନ୍ତି କନ୍ୟାଶ୍ରୀ ଯୋଜନା ମାଧ୍ୟମରେ ଟିଏମ୍ସି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମମତା ବାନାର୍ଜୀଙ୍କ ଲୋକପ୍ରିୟତା ପରେ ନିର୍ଭର କରୁଛି ଏଥର କିନ୍ତୁ ଦଳ ଭିନ୍ନ ନୀତି ଆପଣାଇଛି ଦଳ କ୍ଷମତାକୁ ଆସିଲେ ସାଧାରଣ ବର୍ଗ ପରିବାରର ମହିଳା ମୁରବୀମାନଙ୍କୁ ମାସକୁ 500 ଟଙ୍କା ଲେଖାଏଁ ଦେବ ବୋଲି କହିଛି ଆଉ ଏସ୍ସି ଏସ୍ଟି ଏବଂ ଓବିସି ବର୍ଗ ପାଇଁ 1000 ଟଙ୍କା ବିଧବା ଭତ୍ତା ମଧ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି କରାଯିବ ବୋଲି ଟିଏମ୍ସି କହିଛି ବିଜେପି କିନ୍ତୁ ଟିଏମ୍ସି ଠାରୁ ପାଦେ ଆଗକୁ ଯାଇଛି ଦଳ ରାଜ୍ୟରେ ସରକାର ଗଢ଼ିଲେ ଚାକିରି କ୍ଷେତ୍ରରେ ମହିଳାଙ୍କୁ 33% ସଂରକ୍ଷଣ ସୁବିଧା ଦେବ ବୋଲି କହିଛି भारत की महिलाओं ने भारत की माताओं ने बहनों ने नरेंद्र मोदी को अपने घर का बेटा मानते हैं बड़े भाई मानते हैं वो जानते हैं जो नरेंद्र मोदी जब कोई कमिटमेंट करता
उसका पूरा करेंगे। बीजेपी गांव का पार्टी है, गरीब का पार्टी है, वो लोग आदिवासी का पार्टी है, वो लोग मछुआरे के पार्टी है, सब लोग विश्वास करते हैं। युवा वर्ग रु आरंभ कर वयस्क, किंतु यह निश्चित जे पश्चिम बंग रे महिला भोटर को गुरुत्व जथेष्ट रहिछि। महिला जे की चाहे बोलते जे काज सबै त काज चाहे जे काज होले भलोई हय, चादर मेरा राचे हमरा तो हमादर की काज हबे, बड़ होए शिक्षित होबे पढ़ाशोना करबे चाकरी करबे सबाई तो चाहे एटाई। सेरकम भाबे कोनो किछु हयनी। यू थिंक ऑर्डिनरी वुमेन दे चांस टा हवा उचित? हां, जारा किछु बोझे, जारा कि किछु करते पारबे कारोर जन्य। एथर निर्वाचन रे महिला को अनेक मात्रा रे भरोसा करिछंती मुख्यमंत्री ममता बनर्जी, जेउठी रैली करुछंती सेठी बेंगल मां भौनीक कथा कहउछंती। औ दल पक्षरु जारी एनिमेटेड वीडियो रे से ही एकमात्र महिला योद्धा भाबे अवतीर्ण होइतिबार देखिबाक मिलिछि। एथर निर्वाचन रे ममतांक तृणमूल कांग्रेस बीजेपी अपेक्षा अधिक महिला को प्रार्थी करिछि। बीजेपी किंतु कहुछि महिलांको मध्यरे मोदीको लोकप्रियता ही मैजिक भली काम करिवो, ठीक जमिति गत वर्ष बिहार निर्वाचन रे होइछि। पुरुष प्राधान्य समाज रे निर्वाचन पड़े महिलांको कथा मने पड़े, ए जमिति राजनीति रे महिलांको 33% संरक्षण सुविधा देबाकु 24 वर्ष हला कुहा जाय आसुछि। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18 ओडिया। आउ किछि दिन परे रंगर पर्व होली, देह सह मनरे भी लागिबो रंग, तेबे ता पूर्वरु भगवान श्रीकृष्णक नगरी रे आस्थार रंग देखिबा पाई मिलिछि। जमुना कूलरे चालुथिबा वैष्णव कुंभरे चालिछि कान्हार नंदोत्सव धूम, दूर दूरांतरु आसिथिबा भक्तमाने जशोदांक दरबारे कान्हांक जन्मर शुभेच्छा जणाइबा पाई एकाठी होइथिले। मन मोहि नेउथिबा एहि दृश्य भगवान श्रीकृष्णक नगरी मथुरार। होली पूर्वरु मथुरारे बहुचि आस्थार पवन, जमुना नदी कूळरे चालिथिबा वैष्णव कुंभरे कान्हांक जन्म परे नंदोत्सवर धूम देखिबाकु मिलिछि। काही केते दूरु आसिथिबा भक्तमाने माँ जशोदांक दरबाररे एकाठी होइ ताकु शुभकामना देबा सह गीत गाइथिले। कृष्ण भक्तिरे विभोर होइ नाचिले गाइले, कान्हांक नगरीरे कान्हांक रंगरे समस्ते बुडी जाइथिबा भळि प्रतियमान हेउथिले। नंदोत्सव मनाया, नंदों के साथ खूब बधाई 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 के भजन बधाई चल रही है, और बधाई में खूब लुटाया और खूब लूटा और खूब आनंद लिया, और ऐसा आनंद कभी कभी कुंभ में कभी कभी मिलता है। कान्हा को श्रीनाथ स्वरूप मनमोहक छवि जी भी देखी तार मन से अटकी जा बड़ झुलण में बसी श्रीनाथ जीव को जिते भक्त मैंने दर्शन कले से परेश कृष्णमय हो उठला। ठाकुर जी का प्राकट्योत्सव मनाया गया, श्रीमद् भागवत के अंतर्गत जो चतुर्थ दिवस आता है उसी के अंतर्गत श्रीमद् भागवत में नंद उत्सव मनाया जाता है। आज श्रीनाथ जी प्यारे का बड़े धूमधाम के साथ भक्तों ने नंद उत्सव मनाया, और उत्साह वर्धन के साथ सभी लोग नृत्य कर रहे हैं, बधाइयाँ दे रहे हैं, बधाइयाँ बाँट रहे हैं, सभी लोगों ने आनंद होकर मग्न होकर उत्सव का आनंद प्राप्त किया। माँ जशोदा को शुभकामना जनवाई नंदक दरबार को आसीतिबा भक्तों ऊपर पुष्पवृष्टि करी सेमानकु सम्मानर सहित स्वागत करथिले द्वारपाल। आउ निजे नंद महाराज कृष्णक दरबार को आसीतिबा ब्रजवासी को कान्हांक जन्म हेबा खुशी रे शुभकामना जनाउथिले। जे भी वर्षाना जाय कृष्णक रंगरे रंगायित हुए से निजकु बहुत धन्य मन करे। कृष्णक भक्तिर रंग ही एमिति जहा थरे मनरे लागिगले खाली कृष्णक नाम ही जपि चाले। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18 ओडिया। समरो निर्देश आज पाई फोकस पॉइंट को एट रखिबा। नमस्कार।